स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। बट बिफोर बिगनिंग, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब, कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो उसे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड यस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। सो लेट्स बिगिन। नाउ, व्हाट इज नर्वस टिश्यू? इट ट्रांसमिट्स मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट विद इन द बॉडी। अब हमारी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक एक मैसेज को लेकर जाना, ये काम कौन करता है? नर्वस टिश्यू करता है। जैसे हमारी बॉडी में कहीं पर वाटर की कमी हो गई, तो अब ये मैसेज ब्रेन तक ही ले जाना, ये सारे काम कौन करता है? नर्वस टिश्यू करता है। नर्वस टिश्यू के अंदर कौन कौन आते हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। नर्वस टिश्यू किन तरह के सेल्स से बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। तो नर्वस टिश्यू बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेल्स से बना होता है, जिन्हें हम नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स कहते हैं। अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखिए। न्यूरॉन हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल है। न्यूरॉन के पास एक सेंट्रल पार्ट होता है, इसे हम सेल बॉडी या साइटोन कहते हैं। इस साइटोन के चारों तरफ थ्रेड लाइक ब्रांचेस निकली होती हैं। इन ब्रांचेस को हम डेंड्रॉन कहते हैं, और इन ब्रांचेस से फिर और छोटी छोटी ब्रांचेस निकली होती हैं, ये देख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स। अब इस साइटोन से बहुत लंबी सी ब्रांच जुड़ी होती है, इसे हम कहते हैं एक्सॉन। ये है एक न्यूरॉन या नर्व सेल का स्ट्रक्चर। जब बहुत सारे न्यूरॉन एक साथ बंडल बना लेते हैं तो हमें नर्व मिलती है, नसें मिलती हैं। अब इन न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या है? दे हैव द एबिलिटी टू रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम विद इन और आउटसाइड द बॉडी एंड टू कंडक्ट और सेंड इम्पल्सेस सिग्नल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर हमारी बॉडी में कहीं पर कोई स्टिमुलाई का मतलब चेंज, कोई बदलाव आता है किसी तरह का, तो ये न्यूरॉन्स फौरन उस चेंज के बारे में बॉडी के दूसरे पार्ट्स को बताती हैं। इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे कि आपने एक हॉट वाटर में फिंगर डाल दी, तो क्या होता है, आपकी फिंगर के अंदर भी क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व्स होती हैं। तो वो न्यूरॉन्स फौरन ये मैसेज कि हमने कहाँ किस चीज़ में फिंगर डाली है, हॉट चीज़ में, तो ये बदलाव आया ना, चेंज आया, इसे कहेंगे स्टिमुलस। वैसे तो हमारी फिंगर के बाहर नॉर्मल टेम्परेचर था, अब एकदम से हॉट टेम्परेचर आ गया, तो फौरन इसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक के पहुंचाते हैं। कैसे? एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन कनेक्टेड होता है, एक न्यूरॉन वो इन्फॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन को बताता है, दूसरा न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन को, इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन फौरन ब्रेन तक जाती है, और फिर ब्रेन कहता है, ऑर्डर देता है कि अपनी फिंगर वहाँ से हटाओ। तो अब ब्रेन ने जो ऑर्डर दिया वो ऑर्डर भी फिर वो न्यूरॉन्स लेकर आते हैं हमारी फिंगर तक ही, और फिर हमारी फिंगर अपने आप को हॉट वाटर में से निकाल लेती है। तो इस तरह से ये न्यूरॉन्स मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं।